दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे प्रोग्रेस। तो दोस्तों प्रोग्रेस क्या है? प्रोग्रेस का मीन्स मैं आपको बता देता हूँ, शायद प्रोग्रेस है वो आपके डाउनलोडिंग है, अपलोडिंग है, ठीक है, डेटा डिलीट है, सब में प्रोग्रेस है, वो टाइम पे यूज होता है। तो प्रोग्रेस क्या है मैं आज आपको सिखा देता हूँ। मैं अपने कोड पे आ जाता हूँ और ये आउटपुट है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से प्रोग्रेस शुरू करते हैं। तो पहले क्या करता हूँ, मैं डीएवी ले लेता हूँ, ठीक है, डीएवी ले लेता हूँ और यहाँ पे एक क्लास लगा देता हूँ कंटेनर, ताकि जो हमारा डेटा है वो सेंटर में आता रहे, ठीक है। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे प्रोग्रेस। अब दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक डीएवी ले लेता हूँ, ठीक है, उसको मैं क्लास दे देता हूँ प्रोग्रेस, ओके। और यहाँ पे दूसरा डीएवी ले लेता हूँ और उसको मैं क्लास देता हूँ प्रोग्रेस बार, ठीक है, प्रोग्रेस बार। अब इसे सेव करके आउटपुट पे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोग्रेस बार आ चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो प्रोग्रेस और प्रोग्रेस बार, तो जिसकी विड्थ है वो हमें सेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं इनलाइन सीएसएस दे देता हूँ और यहाँ पे विड्थ है वो मैं लगा देता हूँ 30%। अभी सेव करके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये आप देख सकते हो जो हमारी प्रोग्रेस हो गई है, 30% कम्प्लीट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो, तो यहाँ पे एक दो मैं BR लगा देता हूँ, ठीक है। अब सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप देख सकते हो, तो यहाँ पे BR है, उसे मैं कॉपी करके इसके पास में ही लगा देता हूँ। अब देखिए, ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा प्रोग्रेस। अब मान लो इस प्रोग्रेस का कोई कलर हमें चेंज करना है, तो यहाँ पे आप बीजी दे सकते हो, आपको पता है ये बैकग्राउंड सब हमारे, बीजी डेंजर दोगे तो ये रेड हो जाएगा, वैसे सब कुछ, ठीक है। अगर मान लो अगर आपको इसमें थोड़ा स्ट्रिप्ड करना है तो आपको क्या करना होगा, प्रोग्रेस बार स्ट्रिप ऐसा क्लास लगाना पड़ेगा, प्रोग्रेस बार स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड, ठीक है। तो ये जिब्रा क्रॉसिंग जैसे आ जाएगा, ठीक है, आप ये देख सकते हो। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रिप्ड, ठीक है। अगर आप बिजी है कोई भी चेंज करो तो भी ये चलेगा, इन्फो कर देते हो तो भी ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अगर आप डेंजर में सक्सेस कर देते हो तो ये आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें परसेंटेज डाल देना, मानो 30% हो गया, तो जो ये कंप्लीट होता है ना DAV, उसके बीच में आपको लगा देना है 30%। सेव करके रिफ्रेश करोगे तो ये लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अब आपको थोड़ा एनिमेटेड देना है, तो स्ट्रिप की जगह मैं लगा देता हूँ, नहीं स्ट्रिप रखता हूँ, उसकी जगह मैं लगा लेता हूँ प्रोग्रेस बार एनिमेट, ठीक है, प्रोग्रेस बार एनिमेटेड। अभी इसे सेव करके आप जब रिफ्रेश करोगे तो ये एनिमेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा है बिल्कुल प्रोग्रेस बार, तो आपको पता चल गया होगा कि प्रोग्रेस बार का यूज़ कैसा है। जब क्या हम इमेज अपलोडिंग करते, कोई भी फाइल अपलोडिंग करते, डाउनलोडिंग करते, ठीक है, डेटा बैकअप लेते, सभी में ये प्रोग्रेस बार आपको दिखाई देगा दोस्तों। तो इसी तरह आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे प्लीज़ मेल में और कमेंट में बता दीजिए। तो अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।